सोमवार की बारहवीं रजत शर्मा की अदालत में सलमान खान का इंटरव्यू लेने के बाद रजत शर्मा पहुंच चुके हैं बिग बॉस के घर में और घर वालों से करते हुए नजर आ रहे हैं सवाल जवाब आपकी अदालत में, जहां पर उन्होंने रश्मि पर आरोप लगाया है कि अरहान खान के साथ उनका रिश्ता इस शो के लिए था सिर्फ। यहां पर अब रश्मि देसाई अपने आप को क्लियर करती हुई नजर आई है कि अरहान खान को लेकर सलमान सर ने जो कुछ भी खुलासे किए वो सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे और मुझे नहीं पता था उसकी शादी के बारे में और ना ही उसके बच्चे के बारे में, क्योंकि उसने मुझे कभी इन चीजों के बारे में पता लगने ही नहीं दिया। इसके बाद वो ये भी बता देती है क्लियरली कि उसको लेकर मेरी अटैचमेंट थी और सडन किसी से इतनी जल्दी डिटैचमेंट नहीं होती है, मुझे उसके साथ खड़ा रहना था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं बिग बॉस के घर में मौजूद ये घर वाले उसकी बैंड ना बजा दे। तो वही रजत शर्मा ने कहा कि आपने कहा कि आप शॉक थी और फिर 48 घंटों के बाद आप उसे प्रपोज कर देती हैं, पहले आप कंफ्यूज थी, ये क्या बात हुई? रश्मि ने कहा कि मैं उसके साथ खड़ा रहना चाहती थी ताकि उसे लगे नहीं, क्योंकि जिस इंसान से मैंने प्यार किया उसके बारे में मुझे ऐसी चीजें पता चली जिनके बारे में जानती नहीं थी, तो वो बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। रजत शर्मा ने कहा कि आपका ये बात हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, आप कभी कहती हैं कि आप कंफ्यूज थी और आपका कहना है कि आप सलमान सर से ये सब सुनने के बाद शॉक थी और फिर आप 48 घंटों के बाद उसे प्रपोज कर देती हैं। जनता कंफ्यूज हो चुकी है कि कहीं ये सब कुछ गेम के लिए तो नहीं था, आगे इस चीज को लेकर आपका क्या कहना होगा? रश्मि ने कहा कि ये सब गेम के लिए बिल्कुल भी नहीं था, जो था सब कुछ रियल था और बाकी अरहान को लेकर मैं क्लियर हूँ कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।